हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोगों को फिर इन्होंने निकाल तो नहीं दिया, खैर आज ये लोग जा रहे हैं बीच पे, तो हम लोग बीच पे गए हुए हैं और ये लोग हमें कहते हैं कि आप लोग अपना निकलो, तो हम लोग अपना भी निकलते हैं, तारिक रोड की तरफ जाते हैं, कहते हैं डॉल्फिन मॉल का चक्कर लगा लो, तो हम लोग निकल रहे हैं, निकल चुके हैं और सैमा के गेट की तरफ जाते हैं। उधर से फिर कोई देखते हैं जो भी मिल गया, रिक्शा या टैक्सी वगैरह, तो जाते हैं तारिक रोड, वहाँ पर आपके आपसे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग सैमा के गेट पे पहुँच गए, तकरीबन 10 मिनट से हम चल रहे हैं, 10 मिनट की वॉक हो गई है ना भाई, 10 मिनट की वॉक हो गई और हम लोग सैमा के गेट पे पहुँच गए। और अभी हम लोग यहाँ से अपने लिए देखते हैं कि क्या हायर करें, और गर्मी बहुत पड़ रही है, तकरीबन 28-30 सेंटीग्रेड तो होगा भाई, और क्योंकि हम लोगों ने अपने सतपानी की बोतल भी ली हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, अभी हम लोग तारिक रोड के लिए निकल रहे हैं और आज हम लोग एक नई चीज़ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे भाई? ग्रीन लाइन कराची में जो शुरू हुई है, आज हम ये यूज़ करेंगे और देखते हैं कि इसका सफ़र कैसा था, और आपको हम बताते हैं कि इसका सफ़र कैसा होगा। साफ सुथरी श्रेणी हम सब कार्ड नहीं था, हमने टिकट लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ। अभी हमारी बस आएगी शायद यहाँ पे, इस जगह पे बस हमारी आएगी। तो हमारा कौन सा नंबर स्टॉप कहते हैं? आखिरी नंबर स्टॉप है नुमाई, नुमाई स्टॉप पे हमने उतर रहे हैं कायदे आज़म के मज़ार पे। तो अभी हमारी बस यहाँ पर आनी है जी, ये ट्रैक है। हम लोग अभी ग्रीन लैंड में बैठ गए और ये हमारा यहाँ से सफ़र शुरू हो गया, ग्रीन लैंड का कराची की बस है, ये देखें ग्रीन लैंड की, और नुमाइश के स्टॉप पे हमने उतरना है, और हमारा लास्ट स्टॉप ही नुमाइश है, तो देखते हैं आगे। ₹55 का टिकट था और हमारा जो स्टॉप है 22 नंबर हमारा स्टॉप, और अभी हम लोग जो हैं 13 नंबर पर हैं और हमारा 22 नंबर स्टॉप है। तो ग्रीन लाइन कराची की बहुत अच्छी है पिशावर के BRT से, क्योंकि इस तरह काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से आए गए, बिल्कुल और फुल चिल बस है, वाईफाई वाली, तो इंशाल्लाह हम अपने 22 नंबर स्टॉप पर उतरते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नुमाइश का स्टॉप आ गया, ये लास्ट स्टॉप है, देखें यहाँ पे सारी बसेस खड़ी हो गई हैं, ये कराची के नुमाइश का लास्ट स्टॉप है और इधर से आगे अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, और अभी हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर जो है कहते हैं कि कैद आज़म का मज़ार है, फिर हम उधर से अपने लिए रिक्शा हायर करेंगे या कुछ करेंगे और फिर हम लोग जाएँगे डॉल्फिन मॉल तारिक रोड। सीन कुछ इस तरह है कि यहाँ से हम जब नुमाइश पे उतरे तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट का तारिक रोड का रास्ता है, तो हमने कहा कि 5 मिनट के लिए दूसरे को कह रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बस हायर की है, तो अभी हम लोग बस में जा रहे हैं, 5 मिनट का तारिक रोड आ जाएगा। तारिक रोड पहुंच गए और ये हम लोग अभी डॉल्फिन मॉल की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं तारिक रोड, ये मेरे दोस्त की बैंक इस्लामी। तो अभी तारिक रोड जाते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। डॉल्फिन मॉल आ गए हैं और ये लड़का जो है ये सस्ती सी स्टिक बना रहा है अपनी, ठीक हो गई है, और हमें किसी ने कहा है कि डॉल्फिन मॉल में ऊपर कौन सी गेम है, चिकन वाली गेम है, देखते हैं कौन सी चिकन वाली गेम है, और ये सस्ती सी स्टिक हो रही है,
ऐसी है कि उस टाइम हम लोग डॉल्फिन मॉल गए, वो हम लोग गलत गए थे। वो डॉल्फिन सेंटर था, डॉल्फिन मॉल ये है जी, ये मॉल है। तो हम लोग गलत हो गए थे और ये हम लोग अभी आए हैं डॉल्फिन मॉल, और अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है। तो भाई अभी हम लोग डॉल्फिन मॉल में आ गए हैं और ये लोग पीछे कुछ देख रहे हैं, पता नहीं को क्या मिला। हम लोग आगे जाते हैं, चल के देखते हैं कि हमने आगे क्या कर रहे हैं। मंजर नहीं दिया, झूले लेने हैं, इसलिए हम लोग डॉल्फिन मॉल के बात आए हैं। चल मुजम्मिल, तुम उससे बैठ जाओगे ना, बैठो शाबाश। रोना नहीं, अच्छा हम आते हैं। तो भाई हम लोगों ने सिंबाद का एक कार्ड बनाया है, जिसमें 100 रुपए का कार्ड है और उसके अंदर रिचार्ज करना होता है, तो हमने तकरीबन 1100 रुपये रिचार्ज करवाया, तो हमें बोनस मिले, तो 1400 रुपये इसमें आए। तो अभी हम लोग ये वाली गेम खेलते हैं, बोले मैं और मुजम्मिल है और मंजर और गजनफर है। स्टार्ट। मुजम्मिल गोल आने नहीं देना, अच्छा सीन कुछ ऐसा है कि ये भाई कहते हैं हम लोग निशानाबाजी करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या सीन होते हैं। कर अपना ये बच्चा आया भाई, इस बात में बड़ा रो रहा था कि मुझे बाइक चलानी है, तो हम उसको बाइक चला रहे हैं, ये बाइक चला रहे देखने आप। मुजम्मिल तुम और बड़े हो गए। हाँ भाई आगे हो जा, 7 नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे तो आ जा। सीन तो जिस तरह होगा कि हम लोगों ने खूब सारी गेमें खेलनी है, हम लोगों ने अपने आप से पूरा बच्चा बनाया है, मतलब ठीक है। गेम खेल के अभी हम बाहर आए हैं और देखते हैं कि आगे का क्या सीन होता है। ओए मुजम्मिल, हमें तो जिम भी मिल गया, सीरियसली जिम आएगा। गाइस अभी हम लोग डॉलर मॉल से निकले हैं और अभी हम लोग आए यहाँ पे $1 शॉप पे कुछ सस्ता सामान देखने के लिए, तो यहाँ पे जी सस्ता सामान दिया जा रहा है। मनफू ये आपके लिए, मनफू ये मुजम्मिल जाए व्लॉग में आएगा। बच्चे तुम पागल हो रहे हो। तो भाई हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया बच्चों के लिए। सो भाई अभी हम लोगों ने बड़ी शॉपिंग भी की है, खैर से अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग भी की है कुछ, और ये भी कुछ लिया है इस भाई ने, जीन्स वगैरह लिया है। और अभी हम लोग आए हैं इधर हफीज़ सन्स रोल पे, तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ खाते हैं क्योंकि हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, और फिर देखते हैं यहाँ पे इस साइड पे कह रहे हैं कि और भी कोई मॉल है, तो देखते हैं अभी उधर जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी
कौन कौन से मॉल देखे हैं? डॉल्फिन मॉल देखे हैं, डॉल्फिन सेंटर देखे हैं, डॉल्फिन सेंटर देखे हैं, बिशन बाद भी गए हैं हम लोगों ने, आज गए हैं, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सो गाइस, हम लोग अभी तारिक रोड से निकल चुके हैं और हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि हमने अम्बो ज़्यादा थक गए शॉपिंग करके, और जाते हैं घर जाके ज़रा कुछ आराम करते हैं, फिर रात को वलीमे के पर जाने। और ये आप लोग देख सकते हैं भाई, कराची में मच्छर बहुत है भाई, ये देख सकते हैं कितने मच्छरों ने मुझे काटा हुआ है, हालांकि क्वाइस हम लगाते हैं फिर भी ये सीन है भाई। सो भाई, हम लोग दोबारा अपनी ग्रीन लाइन में आके जा रहे हैं अपने घर की तरफ, सेवन बिल्डर्स, और ये रहे हमारे साथी, शॉपिंग वगैरह हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जा रहे हैं अभी इधर से टिकट लेके, हमारे ये भाई ये टिकट ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपनी सेवन के लिए। ओ भाई, इधर रश देखो ज़रा ग्रीन लाइन में, और वहाँ तो गए हैं और रश देखें ज़रा, अभी शायद हमें मुश्किल है कि हमें इस बस में जगह मिल जाए, और फिर भी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो भाई, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी सुनिए सर, और वो एक गई और पीछे दूसरी आ गई, तो ये फुल खाली है, पर अभी हम इसमें बैठेंगे। तो भाई, हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और बस चल चुकी है, और हमारा तकरीबन कौन सा स्टॉप है, हमारा तकरीबन लास्ट वन स्टॉप है फोर के चुरंगी, तो वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने पान भी खाना है वहाँ से, तो ये हम लोग अब जा रहे हैं। तो हम लोग ग्रीन से वापस उतर गए हैं और हम लोग वही अपना फोर के चुरंगी पे आ गए हैं, फोर के चुरंगी से हम चिंची कराएंगे और जाएंगे सैमा की तरफ, घर की तरफ, और अब यहाँ से हम फोर के चुरंगी से चिंची कराएंगे यार अक्षय देखें। सो गाइस, हम लोग फाइनली घर भी पहुंच गए हैं खैर से, और यहाँ पे हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जाना एक फंक्शन पे, और बहुत ज़्यादा थक टूट भी गए क्योंकि हम लोगों ने सुबह वापस पेशावर के लिए भी निकलना है, और ये बंदा नहीं है देखिए, सब अपने भाई का कोट पहना है, इसका छोटा भाई रुमान नहीं है, ये इसने रुमान का कोट पहना और आगे से बंद भी नहीं हो रहा है, देखो जमीन। तो गाइस, हम लोग इधर अभी रेडी होते हैं और हम लोगों ने जाना है फंक्शन पे, और इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।